अदालत का फैसला क्यों नहीं मानते? अदालत क्या इस बात का फैसला करेगी कि यहाँ पर राम का जन्म हुआ था कि नहीं हुआ था? आपसे तो इतनी आशा है, बीच में मत पड़ो, रास्ते में मत आओ, क्योंकि ये जो रथ है, लोक रथ है, जनता का रथ है, जो सोमनाथ से चला है और जिसने मन में संकल्प किया हुआ है कि 30 अक्टूबर को वहां पर पहुंच करके कार सेवा करेंगे और मंदिर वहीं बनाएंगे, उसको कौन रोके? स्क्रीन पर नजर आ रही ये वो ऐतिहासिक तस्वीर है जिसने राम मंदिर आंदोलन की नींव खड़ी की, जिसने देश की सियासत को बदल दिया। ये वो तस्वीर है जिसने अयोध्या को इंटरनेशनल फोरम में लाकर खड़ा कर दिया, जिसने राम नाम की क्रांति की ऐसी चिंगारी जगाई जिसकी लौ ने संघर्ष से भरे पथ को रोशन कर दिया और आज अयोध्या में भव्य राम मंदिर बनकर तैयार खड़ा है। और इस ऐतिहासिक तस्वीर में जो शख्स आपको नजर आ रहे हैं वो है लाल कृष्ण आडवाणी। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ नैन्सी वाजपेयी और आप देख रहे हैं एबीपी लाइव की स्पेशल सीरीज राम भरोसे, जिसके आज के एपिसोड में हम बात करेंगे आडवाणी और राम मंदिर आंदोलन की। 12 सितंबर 1990 ये वो तारीख थी जिसने राम मंदिर आंदोलन को नई दिशा दी। इसी दिन बीजेपी के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष लाल कृष्ण आडवाणी ने रथ यात्रा का ऐलान किया था। 25 दिसंबर 1990 ये वो दिन था जब अयोध्या में भव्य राम मंदिर निर्माण के लिए एक संकल्प लेकर गुजरात के सोमनाथ से अयोध्या के लिए लाल कृष्ण आडवाणी ने रथ यात्रा की शुरुआत की। ये यात्रा देश के कोने कोने से होकर गुजरी, लेकिन जब ये रथ बिहार में दाखिल हुआ तो इस आंदोलन का सियासी रंग और रूप बदल गया। जैसे जैसे रथ आगे बढ़ता गया, आंदोलन विकराल होता गया और इसी को देखते हुए आडवाणी ने जो आवाहन किया, उसने राम भक्तों के अंदर ऐसी लौ जलाई जिसका परिणाम आज भव्य राम मंदिर के रूप में पूरी दुनिया देख रही है। और इसी दौरान अपनी रथ यात्रा को आगे बढ़ाने से पहले आडवाणी ने एक भाषण दिया और लोगों के भरोसे को मजबूत बनाने के लिए संकल्प लिया और कहा कि सौगंध राम की खाते हैं, मंदिर वही बनाएंगे। गुजरात से निकली ये रथ यात्रा सफल रही। कहते हैं रथ यात्रा को सफलता दिलाने में नरेंद्र दामोदर दास मोदी का बड़ा योगदान रहा। रथ पर आडवाणी के साथ उनकी तस्वीरें आज भी देखी जा सकती हैं। 22 अक्टूबर 1990 ये वो तारीख थी जब हाजीपुर के रास्ते रथ यात्रा को लेकर कोठिया होते हुए आडवाणी ने समस्तीपुर में प्रवेश किया, जहाँ समस्तीपुर स्थित सर्किट हाउस में करीब रात के 11 बजे आडवाणी पहुंचते हैं। प्रशासन ने उन्हें कमरा नंबर 7 अलॉट किया था, जिसमें लाल कृष्ण आडवाणी आराम करने चले गए। आडवाणी के समस्तीपुर पहुंचने से पहले ही वहां हाई अलर्ट जारी कर दिया गया था। वहां पर आडवाणी की गिरफ्तारी को लेकर प्रशासन ने पूरी योजना बना रखी थी। उस वक्त रात के अंधेरे में आडवाणी की गिरफ्तारी करने की जिम्मेदारी तत्कालीन DIG रामेश्वर उराव और DM आर.के. सिंह को दी गई। वो कमरा नंबर 7 पहुंचे, दरवाजा खटखटाया, दोनों ने आडवाणी को उन्हें गिरफ्तार करने की जानकारी दी। इस पर लाल कृष्ण आडवाणी हंसते हैं और कहते हैं विनाशकाले विपरीत बुद्धि। गुपचुप तरीके से आडवाणी गिरफ्तार कर लिए जाते हैं। 23 अक्टूबर 1990 को पटेल मैदान में आडवाणी की जनसभा होनी थी, लेकिन जनसभा होने से पहले ही आधी रात को काले रंग की एम्बेसडर उन्हें अपने साथ ले गई। रात का अंधेरा छटते ही सुबह तक आडवाणी की गिरफ्तारी की खबर फैल गई। समर्थक काले रंग की एम्बेसडर को रोकने की कोशिश करने लगे, जिसके बाद पुलिस ने लाठीचार्ज कर भीड़ को हटाया। फिर लाल कृष्ण आडवाणी को एम्बेसडर से पटेल मैदान ले जाया गया। चारों तरफ पुलिस तैनात थी। इसके बाद बिहार के तत्कालीन मुख्यमंत्री लालू प्रसाद यादव ने आडवाणी को दुमका के गेस्ट हाउस में नजरबंद भी करवाया। हालांकि 25 सितंबर 1990 से 22 अक्टूबर 1990 तक, यानी कि करीब इस एक महीने के बाद रथ यात्रा को लेकर आडवाणी को भरपूर समर्थन मिलने लगा। पूरा देश राममय हो चुका था। आडवाणी के रथ यात्रा के साथ राम भक्तों की भीड़ बढ़ती चली गई। जय श्री राम के नारों के साथ आगे बढ़ता गया ये रथ। जगह जगह लोग रथ पर फूलों की बरसात कर रहे थे, कई लोग रथ की आरती भी उतार रहे थे। ये सब देखकर बिहार के प्रशासन ने
लाल कृष्ण आडवाणी को गिरफ्तार करने की रणनीति बदल दी। तय समय के अनुसार 30 अक्टूबर 1992 ये वो दिन था जब VHP यानी कि विश्व हिंदू परिषद ने विवादित ढांचे के बगल की जमीन पर राम मंदिर निर्माण का काम शुरू करने की घोषणा कर दी। इस घोषणा के बाद तत्कालीन प्रधानमंत्री नरसिम्हा राव आडवाणी के संपर्क में रहने लगे। 28 नवंबर 1992 को सुप्रीम कोर्ट ने सांकेतिक कार सेवा की अनुमति दे दी। उसके बाद विश्व हिंदू परिषद से लेकर भारतीय जनता पार्टी तक कार सेवा में कूद गई। उस समय लाल कृष्ण आडवाणी की जगह डॉक्टर मुरली मनोहर जोशी BJP के अध्यक्ष थे, लेकिन राम मंदिर आंदोलन का सबसे मजबूत राजनीतिक चेहरा अभी भी आडवाणी ही थे। 5 दिसंबर 1992 की रात दोनों यानी कि आडवाणी और जोशी ने जानकी महल धर्मशाला में बिताई। अगली सुबह वो 10:30 बजे विवादित ढांचे की जगह पहुंचे। इस दौरान VHP नेता अशोक सिंघल, भाजपा नेता विजया राजे सिंधिया और उमा भारती, बजरंग दल के विनय कटियार, कुछ साधु संतों समेत लाखों की भीड़ वहां उपस्थित थी। दोपहर होते होते कुछ लोग अचानक विवादित ढांचे के गुम्बदों पर चढ़ने लगे। आडवाणी ने माइक से ऐसा नहीं करने की अपील की। विजया राजे सिंधिया भी बार बार गुहार लगाती रही, लेकिन गुम्बदों पर भीड़ बढ़ती रही। दोपहर करीब 1:55 पर पहला गुम्बद गिरा दिया जाता है और देखते ही देखते बेकाबू भीड़ ने विवादित ढांचे को जमींदोज कर दिया और आडवाणी माइक से चिल्लाते रहे, मत करिए, नीचे उतर आइए। विवादित ढांचे के जमींदोज होने की खबर फैलते ही देश में अशांति फैल गई। कल्याण सिंह ने उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा दे दिया। आडवाणी ने लोकसभा में विपक्ष के नेता का पद त्याग दिया। राजस्थान, मध्य प्रदेश और हिमाचल प्रदेश की BJP सरकारों को बर्खास्त कर दिया गया। RSS और VHP को प्रतिबंधित कर दिया गया। और आडवाणी आज भी कहते हैं, उनकी इच्छा कभी नहीं थी कि विवादित ढांचे को इस तरह ढहा दिया जाए। 6 दिसंबर 1992 की इस घटना ने पूरे देश की सियासत को हिला कर रख दिया। राम के आंदोलन पर छिड़ी ये संघर्ष की जंग लंबी चली और अब अयोध्या में राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा हो रही है, वही मंदिर जिसके लिए आडवाणी ने संकल्प लिया था, सौगंध राम की खाते हैं, मंदिर वही बनाएंगे। राम भरोसे में ये कहानी थी आडवाणी और राम मंदिर आंदोलन की। अगले एपिसोड में बात करेंगे लालू प्रसाद यादव और राम मंदिर आंदोलन की।